कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा 2023 के चुनाव में 10% मुस्लिम और अल्पसंख्यक बूथ में हमको वोट बढ़ाना है। लगभग 12 विधानसभा है जहाँ पर, और जहाँ 100 एक बूथ में 100 मुस्लिम कार्यकर्ता है, उससे ऊपर जाकर सामाजिक समरसता और भाईचारा कायम कर आगे का कार्यक्रम बनाना है, और प्रधानमंत्री की जो जन कल्याणकारी योजना है उसको समाज के बीच बताना है। भारतीय जनता पार्टी कभी समाज विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी नहीं रही। कांग्रेस ने हमेशा 70 साल के इतिहास में मुस्लिम विरोधी बताया है, भारतीय जनता पार्टी का रही नहीं। तो अब लगातार विश्वास हो चुका कि भारतीय जनता पार्टी में ही मुसलमानों का विकास हो सकता है, और वही विकास की योजना को लेकर हम काम कर रहे हैं। 16 विधानसभा है, 12 विधानसभा तो ऐसी है जहाँ पर लगभग 12-15% मुस्लिम आ रहा है। जगदलपुर, केसकाल, अंबिकापुर, दुरुग, बिलाई, बिलासपुर विधानसभा है। ऐसे विधानसभा को हम चिन्हित कर हमारी कार्य योजना बनाई जाएंगी। के साथ हम लोगों ने जिस पर हम जब भी योजना बनाते हैं, अगर हमने 80 करोड़ परिवारों को अनाज पहुंचाया तो हमने समाज के आईना लगा कर नहीं, गरीब के आईना से किया। हम लोगों ने अगर किसान से सम्मान योजना दिया तो लोगों को चेहरे देख कर नहीं, लोगों को समाज देख कर नहीं, सबको दिया। आज सड़कें बनती है तो सबको उसका लाभ मिलता है। तो इसी प्रकार से अल्पसंख्यक लोगों को भी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, चाहे उज्ज्वला का योजना का हो, हर योजना का लाभ उसमें मिला है। तो हम अल्पसंख्यक समाज के बीच में भी उन लाभार्थियों के बीच में जाएंगे। और केंद्र ने जिस प्रकार से बिना बेईमानी किए हुए, बिना कोई विचार किए हुए सबके लिए न्याय, सबका विकास और सबका साथ लेकर जो काम किया है, उन विषयों को लेकर जाएंगे। देखिए, भाजपा को चुनाव में करारी हार जो दिख रही है, उसके बाद उनको अल्पसंख्यकों की चिंता हो रही है। ये वही भाजपा है जिसके नेता और मोदी सरकार के मंत्री 9 साल से अल्पसंख्यकों के खिलाफ वार्तालाप कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ भावनाएं भड़काने वाला बयान दे रहे हैं। अब चुनाव को देखते हुए जो भाजपा अल्पसंख्यकों को प्रणाम करने की कोशिश कर रही है, उनसे प्रेम करने की कोशिश कर रही है, ये सिर्फ चुनावी है। भाजपा के बहकावे में और भाजपा के झांसे में ना तो अल्पसंख्यक आएंगे ना बहुसंख्यक आएंगे, क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार तो लगातार इस देश की जनता के साथ वादा खिलाफी की है। प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो अल्पसंख्यक वर्ग के और बहुसंख्यक वर्ग के लिए जो काम किया है, उसके आगे भाजपा का झांसा नहीं चलेगा। विधानसभा को हम चिन्हित कर हमारी कार्य योजना बनाई जाएंगी। ये बहुत अहम इनका रोल है। माइनॉरिटीज के वोट टोटल आप देखेंगे तो लगभग 7-8% के आसपास माइनॉरिटी के वोट्स होते हैं, टोटल ओवरऑल वोटर्स जो हमारे यहाँ हैं। आप इसको मान सकते हैं कि इस बार हम लोग 2 करोड़ 5 लाख के, 15 लाख के आसपास हमारे वोटर्स होंगे 2023 के चुनाव में। उसमें 7-8% मेजर शेयर आप मुस्लिम्स के हैं, 2.5% है, 1.92 के आसपास क्रिश्चियन है जो मेजर शेयर है, फिर 0.2728 के आसपास सिख हैं, बुद्धिस्ट भी लगभग उतने ही हैं। तो टोटल मिला के आप 7-8% माइनॉरिटी के वोट मान सकते हैं। पिछली बार में ये ऐसा माना गया था कि लगभग माइनॉरिटी के वोटर्स जो हैं वो कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पे ये एक बड़े फैक्टर रहते हैं कि इनके लिए क्या किया जा रहा है, इनके लिए कैसे काम किया जा रहा है। तो इनको राजनीतिक पार्टियाँ अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती है, और सरकार, हर राजनीतिक, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सत्ताधारी दल हो, तो निश्चित तौर पर अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती है। वो चाहे 2023 के विधानसभा चुनाव या 2024 के लोकसभा चुनाव में, व्यापक स्तर पर तो राष्ट्र में भी इन चीज़ों को बड़ा फोकस किया जाता है। माइनॉरिटी को लेकर बड़े संवेदनशील रहती है राजनीतिक पार्टियाँ, ये बात सत्य है। देखिए, उनका जो पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखें तो काफ़ी बड़े, मतलब 0.92% उनका है वोटर्स में, अगर हम तब्दील करें तो लगभग सब हमारी जो 2 करोड़ 15 लाख जो हो रहे हैं उसमें कम से कम 5-7 लाख जो वोटर्स इनके होते हैं वो बड़े इफेक्ट करेंगे। निश्चित तौर पे एक वो धड़ा माइनॉरिटीज़ का, एक वो धड़ा जो सत्ता पक्ष से नाराज है, वो भी एक कन्वर्जन को लेके जो एक कोशिश है और जो कानूनी प्रक्रियाएं होनी चाहिए थी उसको लेके काफ़ी बातचीतें चल रही हैं। उन्होंने पत्र भी सरकार को लिखे भी हैं, कई लिखे हैं, ताकि उनकी धर्म की रक्षा को लेके या तमाम वो चीज़ें की उनने शिकायतें भी की। तो आप इस ऐसा कह सकते हैं कि इस बार के चुनाव में एक बड़ा माइनॉरिटी का जो है सेक्शन, वो इनसे थोड़े से खफा जरूर नज़र आता है।